से बचाव को लेकर अजमेर जिले की ग्राम पंचायतें पूरी तरह सतर्क हैं। अजमेर जिला परिषद CEO गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है। ग्रामीणों को मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। कोई भूखा न सोए इस बाबत आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। भामाशाहों के माध्यम से भोजन सामग्री वितरित की जा रही है। बाहर से आए लोगों तथा बीमार लोगों का सर्वे कर चिन्हित किया जा रहा है। सर, कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर शहरों में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है, पंचायत राज के दौरान ग्रामीण पंचायतों में ऐसा क्या कार्य हो रहा है सर, उसकी जानकारी दे सकते हैं? पंचायतों में भी शहर के पैटर्न पर ही सारा काम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का स्प्रे, मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण और उपकरण जिससे कोरोना से लड़ने में मदद मिले उनको क्रय करना, ये सब काम भी पंचायत राज के द्वारा भी किया जा रहा है। अब तक जिले में जो इसके ऊपर खर्च हुआ है वो 36,59,358 रुपये खर्च कर चुके हैं, जिसमें हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का 35,922 लीटर स्प्रे का सॉल्यूशन बना के उसको स्प्रे किया हुआ है। मास्क भी हमने लगभग 3,39,400 खरीद के पंचायत के लोगों को वितरित करवाए हैं। इसी प्रकार सैनिटाइजर जो 7,993 हमने वितरित कराए हैं। दस्ताने 99,000 के आसपास हमने बटवा दिए हैं। तो पंचायतें भी इसी पैटर्न पर काम कर रही है, जिसमें सरकार की जो निर्देश है उसी अनुरूप काम करके लोगों को राहत दे रही है। सर, कोई भूखा न सोए इसे लेकर कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं? भूखा न सोए इसके लिए पंचायत राज में शुरू से ही फूड पैकेट, ड्राई खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है और वो स्वेच्छा से पंचायत राज के लोग कर रहे हैं।